देखो, इंडियन मार्केट में 125 सीसी स्कूटर सेगमेंट की भले ही डिमांड तेज देखने को मिल रही है, लेकिन 110 सीसी सेगमेंट में भी ना आज भी लोगों की नज़र है और देख रहे हैं, सर्च करते हैं कि कौन सा स्कूटर उनके लिए बेस्ट है। खैर, इस 110 सीसी स्कूटर सेगमेंट में उनके लिए भले ही ऑप्शन कम है, लेकिन अब हीरो ने दो ऑप्शन दे दिए हैं। पहले माइस्ट्रो 110 सीसी में था ही, अब साथ में ये आपको हीरो का जूम भी मिल जाएगा, जो कि देखा जाए माइस्ट्रो के मुकाबले बहुत ज़्यादा हाईटेक नज़र आ रहा है। इनफैक्ट अगर आप सेगमेंट में देखते हो या बाकी स्कूटर जो जितने भी स्कूटर सेगमेंट हैं उनमें देखते हो, तो इसमें कुछ ऐसे फीचर्स भी कंपनी ने ऐड कर दिए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक और बहुत ही ज़्यादा क्लासी नज़र आते हैं। अब इस स्कूटर में क्या कुछ खास मिलता है, खास क्या मिलता है देखो वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन कीमत क्या है वो मैं आपको एक बार पहले बता देता हूं। तीन वेरिएंट्स में आता है, यानी कि LX, VX और ZX। ये जो आप वेरिएंट देख रहे हो ये है ZX, यानी कि टॉप मॉडल। तो इसी टॉप मॉडल में वो सभी फीचर्स मिलते हैं जो कि इस स्कूटर को बाकी स्कूटर से अलग खड़ा करते हैं। और जो कीमत है वो शुरू होती है 68,700 रुपये से, फिर जो LX की बता रहा हूँ, फिर VX की जो कीमत है वो है 71,800 रुपये, और जो ZX यानी कि इस स्कूटर की जो कीमत है वो है 78,700 रुपये। अब क्या कुछ खास मिलता है, तो पहले इसका लुक्स और डिज़ाइन देखो। तो इसका जो लुक्स और डिज़ाइन है, काफ़ी एरोडायनामिकली कंपनी ने इसे डिज़ाइन किया है, काफ़ी स्पोर्टी ये नज़र आ रहा होगा। और देखो, अभी हाल ही में हीरो का वीदा V1 Pro लॉन्च हुआ था ना, जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर था, वैसा कुछ आपको यहाँ से साइड से देखने को मिलेगा। तो आप कह सकते हो कि यार वीदा जैसा हल्का सा डिज़ाइन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, काफ़ी स्पोर्टी है। दो पैनल आपको देखो ऐसा लगेगा कि यार अलग अलग पैनल का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि अगर चलाते समय ये स्कूटर गिर भी जाता है ना, तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा पैनल चेंज होगा। अगर ये टूट गया है तो ये इतना पैनल ये चेंज हो जाएगा, यहाँ से ये टूट गया तो ये चेंज हो जाएगा, यहाँ से ये टूट गया तो ये चेंज हो जाएगा। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि पूरा का पूरा पैनल चेंज होगा अगर ये गिर जाता है, टूट जाता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा फाइबर का इस्तेमाल किया गया है, कहीं पर भी अगर आप देखोगे मेटल वगैरह का इस्तेमाल नहीं है, तो यहाँ पर लोग थोड़ा सा निराश हो सकते हैं, लेकिन इसी फाइबर की वजह से जो स्कूटर का वेट है वो काफ़ी कम हुआ है। 109 किलोग्राम वजन आपको इसमें देखने को मिल जाता है, जो कि माइस्ट्रो है उसमें आपको लगभग 112 किलोग्राम वजन मिलता है। अब अगर हम सस्पेंशन की बात करें, तो जो फ्रंट और रियर में जो सस्पेंशन कंपनी ने यूज़ किए हैं वो सेम वैसे ही हैं जो कि आपको हीरो माइस्ट्रो में मिलते हैं। तो राइड क्वालिटी भी आपको मतलब बहुत ज़्यादा उसमें अंतर देखने को नहीं मिलेगा, आपको वैसे ही स्टिफ राइड क्वालिटी देखने को मिलती है। अब खास क्या है, देखो खास ये है कि लोअर वेरिएंट है ना, यानी कि जो सबसे सस्ता वाला वेरिएंट है इसका, तो उसमें आपको फ्रंट और रियर में अलग अलग टायर्स मिलते हैं। आपको आगे 12 का मिलता है, रियर में 10 का मिलता है, लेकिन इस टॉप वेरिएंट में आपको आगे भी 12 का मिल जाएगा और रियर में भी 12 इंच का मिल जाएगा, और जो सेक्शन है वो वाकई बड़ा है। तो कंपनी बोल रही है बिग ऑन स्टाइल, बिग ऑन फीचर्स एंड बिग ऑन परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में भी कितना बड़ा है ये स्कूटर साबित होता है, देखो वो भी मैं बताऊंगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखते हो, ये जो की इग्निशन है इसके लिए की दी है, कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि यार ये प्रॉपर लॉक हो जाएगा, ये मतलब ओपन ही रहेगा, जैसे होंडा की एक्टिवा वगैरह में आता है कि ये प्रॉपर लॉक हो जाए, वैसा कुछ कंपनी ने नहीं दिया है, जो कि मुझे लगता है कंपनी को देना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर स्टोरेज देख रहे हो आप, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, काफ़ी प्रैक्टिकल स्टोरेज स्पेस आपको मिल जाता है। यहाँ पर आप वाटर बॉटल भी रख सकते हो और ग्लव्स वगैरह रखने हैं इन बॉक्सेस में, तो वो भी आप इजीली रख सकते हो। बाकी यहाँ से आपको काफ़ी स्पोर्टी डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाता है। और अगर आप यहाँ पर बैठकर देखते हैं, यानी कि अगर आपकी हाइट ज़्यादा लंबी है, 6 फीट के आसपास है या उससे ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पर जो लेग स्पेस है ना वो आपके घुटनों पर तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत करे। खैर, इसके अगर आपको मतलब बहुत ज़्यादा आगे पैर रखने के लिए नहीं मिलता है, आप थोड़ा सा पीछे बैठेंगे ही बैठेंगे। हालांकि जो छोटी हाइट वाले राइडर्स हैं उनके लिए किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरी हाइट 5'4" है, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, और मेरे से छोटी जितनी भी हाइट वाले राइडर्स होंगे उनके लिए भी किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा सीटों की अगर बात करते हो, तो सीट कंफर्टेबल है, जाहिर सी बात है कुशनिंग कंपनी ने अच्छी यूज़ की है, तो यहाँ पर भी आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। पिलियन भी बैठता है, तो उसके लिए भी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप कहोगे यार यहाँ पर ग्रैब रेल्स तो नहीं है, ग्रैब रेल्स बेसिकली इंटीग्रेटेड है, यानी कि इसमें मिल जाते हैं, तो आप अगर पीछे बैठते हो तो यहाँ से इस तरीके से ऐसे पकड़ सकते हो। और जूम कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको लिखा हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा ये नज़र आता है। बाकी डिज़ाइन के बारे में अभी ख़त्म नहीं हुआ है, डिज़ाइन अगर मैं यहाँ से और बताऊँ, तो यहाँ पर ये जो पैनल देख रहे हो ये ब्लैक क्लेडिंग आप देख सकते हो, और यहाँ पर अगर आप देख रहे हो
तो ये पैनल प्रॉपर आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल अलग अलग लगाए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से आगे अलग अलग थे ना उस तरीके से यहाँ पर देखोगे तो ये अलग अलग नहीं है, ये पूरा का पूरा सिंगल यूनिट आपको मिल जाता है कि जाहिर सी बात है। और अगर गिरेगा तो ये टूटता है तो ये पूरा ही चेंज होगा, आगे की तरह नहीं है कि भैया कुछ टूटा है तो सिर्फ उतना पार्ट चेंज हो जाएगा, ये पूरा ही चेंज होगा। बाकी यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको ये मेटल मिल जाता है। एग्जॉस्ट देखोगे तो यहाँ पर आपको जो एग्जॉस्ट है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट सा नज़र आएगा, यानी कि बड़ा सा नज़र आएगा और आपको ऐसा फील आएगा कि बाइक वाला एग्जॉस्ट कंपनी ने यहाँ पर दे दिया है। बाकी फुटरेस्ट ये काफ़ी अच्छे से और नुकीले हैं और ये यहाँ पर ये लॉक होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो पीछे अगर कोई पिलियन बैठेगा तो यहाँ पर पैर वैर रखेगा तो पैर जो है अच्छे से यहाँ पर जकड़ जाएगा। बाकी आप यहीं पर देख सकते हो पीछे भी 12 इंच के आपको व्हील्स मिल जाते हैं, जो सेक्शन है वो सेक्शन काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है, यानी कि माइस्ट्रो के मुकाबले काफ़ी चौड़ा टायर पीछे आपको मिल जाता है, 180 सेक्शन का आपको यहाँ पर टायर मिल जाता है। पीछे की तरफ जैसे कि मैंने वॉक अराउंड में बताया था, यहाँ पर जो टेल लाइट है देखो, फ्रंट में जो हेडलाइट है वो आपको एच डिज़ाइन वाली मिल जाती है, रियर में भी जो टेल लाइट है वो भी आपको एच डिज़ाइन वाली मिल जाती है, और जो इंडिकेटर है ये बेसिकली बाइक वाले इंडिकेटर्स हैं। जिस तरीके से स्कूटर्स वगैरह में आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं वैसे नहीं है, आपको भले ही जो आगे वाले इंडिकेटर्स हैं वो आपको स्कूटर वाले मिल रहे हैं, लेकिन ये जो पीछे दिए गए हैं ये अलग से लगे हैं। और अगर आप स्कूटर चलाते हुए यानी कि थोड़े बहुत स्पीड ब्रेकर से लेकर जा रहे होते हो या फिर थोड़ी उबड़ खाबड़ सड़कों से लेकर जा रहे होते हो तो ये बहुत ज़्यादा हिलते हुए नज़र आते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा चलाने के बाद ये गिर भी जाए। अब रियर को फ्रंट से थोड़ा कंपेयर कर रहे थे तो यहाँ पर फ्रंट में भी बता देता हूँ कि क्या कुछ मिल रहा है। तो यहाँ पर जिस तरीके से कंपनी कह रही है कि एरोडायनेमिकली इसे डिज़ाइन किया है तो देखो काफ़ी तेज़ तर्रार तो ये नज़र आता ही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ नहीं है ये थोड़ा ओपन सा यहाँ पर आपको इसका ये माउथ देखने को मिल जाएगा, इंडिकेटर्स जैसे कि बताए इसमें इंटीग्रेटेड हैं हैंडल्स में। बाकी नीचे की तरफ एच डिज़ाइन वाला वही सेम LED हेडलाइट और DRL आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, और साइड में यहाँ पर आप देख रहे हो ये बेसिकली हेडलाइट के साथ काम करता है। जब आप स्कूटर चला रहे होते हो थोड़ा सा लीन कर रहे हो तो राइट साइड लीन करोगे तो राइट साइड की तरफ ये कॉर्नरिंग हेडलाइट जल जाएगी, और लेफ्ट साइड की तरफ लीन करोगे तो ये लेफ्ट साइड की तरफ कॉर्नरिंग हेडलाइट जल जाएगी। अब इस हेडलाइट के साथ ना एक चीज़ मुझे अच्छी लगी और एक चीज़ मुझे ख़राब भी लगी। जो अच्छी लगी वो तो यही है कि आप अगर एक सर्टेन रफ्तार पर होते हो, तेज़ रफ्तार पर होते हो, जहाँ मोड़ रहे होते हो यानी कि जहाँ लीन करने की कोशिश कर रहे होते हो वहाँ जल जाती है, लेकिन अगर आप धीमी रफ्तार पर चला रहे हो, स्कूटर मोड़ रहे होते हो तो वहाँ लाइट नहीं जलेगी। कुल मिलाकर जब स्कूटर लीन होगा तभी लाइट जलेगी, खड़े खड़े गाड़ी मोड़ोगे स्कूटर लीन नहीं होगा तो लाइट नहीं जलेगी। कुल मिलाकर कॉर्नरिंग हेडलाइट तो है लेकिन गाड़ी जैसा काम नहीं करेगी। इसके अलावा यही सारी चीज़ें जो कि आपको देखने को मिलती हैं। बाकी अब बात कर लेते हैं स्विचेस वगैरह की। अब यहाँ पर ये मेन जो डैशबोर्ड स्विचेस वगैरह हैं उसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर स्विचेस वगैरह जो है वो आपको ठीक ठाक क्वालिटी के मिल जाते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा बेहतर मिलते हैं ना ही बहुत ज़्यादा ख़राब मिलते हैं, आपको ठीक ठाक क्वालिटी वाले स्विचेस मिल जाते हैं और कहीं अटकते हुए भी नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर ये आप देख रहे हो ये i3S जो इनका स्टार्ट स्टॉप सिस्टम है उसका यहाँ पर आपको बटन मिल जाता है, सेल्फ स्टार्ट यहाँ पर है, सेल्फ के साथ कंपनी इस स्कूटर में किक भी ऑफर कर रही है। बाकी यहाँ पर ये हाई बीम लो बीम और पास यहीं से ही आपको मिल जाता है, इंडिकेटर्स यहाँ आपको मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको हॉर्न मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है जिसमें आपको पर्याप्त जानकारी मिल जाती है। इतना ही नहीं, आप इसे अपने स्मार्टफोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा बढ़िया है वो है एवरेज रियल टाइम फ्यूल इंडिकेटर, मतलब आपको स्कूटर चलाते चलाते पता चल जाएगा कि आप कितना माइलेज निकाल रहे हो। बाकी यहाँ पर टाइम्स वगैरह देखने को मिल जाता है और स्पीडोमीटर और फ्यूल गेज वगैरह भी आपको इसी में ही देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ से आप इसका जो ऑडोमीटर है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। बाकी यही सारी चीज़ें हैं। अब प्रैक्टिकलिटी को लेकर थोड़ी सी और बात कर लेते हैं इस हीरो जूम के अंदर। ये तो हो गया इसका बूट ओपन, यहाँ से चाबी लगा के आप इसका बूट ओपन कर सकते हो, और ये है मेरे पास फुल फेस हेलमेट, यानी कि अगर आप प्रॉपर फुल फेस हेलमेट के साथ जा रहे हैं और आप इसे रखना चाहते हैं अपने इस बूट में तो क्या आप रख सकते हैं, मैं भी वो आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हेलमेट तो रख दिया है, अब इसे बंद कर देता हूँ तो ये नॉर्मली तो बंद नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ी सी जान लगाओगे तो ये बंद हो जाएगा। अब ये प्रॉपर बंद हो चुका है, यानी कि आप फुल फेस हेलमेट रख सकते हो, उसमें थोड़ी सी बस इसे बंद करने में जान लगानी पड़ेगी, और इसे साइड वगैरह में रख सकते हो अगर आपको रखना हो।
बाकी यहाँ पर इस स्टोरेज स्पेस में आपको एक लाइट भी मिल जाएगी, बूट लाइट। बाकी यहाँ पर आपको फ्यूल लिड मिल जाता है जिसे आप घुमा घुमा के ऐसे खोल सकते हो। 5.2 लीटर फ्यूल आप इसमें डलवा सकते हो। अब बात करते हैं इंजन परफॉर्मेंस और राइड क्वालिटी की। तो इसमें जो इंजन मिलता है वो मिलता है 110 सीसी का, और ये इंजन 8.05 बीएचपी की पावर और साथ ही 8.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन में अगर हम पावर फिगर्स की बात करें ना, तो माइस्ट्रो के मुकाबले अंतर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि 0.01 बीएचपी का अंतर देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कंपनी ने जो इसके जो इंजन में मैपिंग वगैरह है थोड़ी बहुत ही चेंज की है, लेकिन चलाने में कैसा है, अब अगर आप इस स्कूटर को चलाओगे तो प्रॉपर आपको माइस्ट्रो की याद आएगी। परफॉर्मेंस ठीक वैसी ही देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलता है। आपको ऐसा ही फील होगा कि आप 110 सीसी का हीरो का ही स्कूटर चला रहे हैं। और राइड क्वालिटी की बात करें तो राइड क्वालिटी जैसा कि बताया स्टिफ है, तो सेम वही सस्पेंशन आपको इसमें मिलते हैं फ्रंट और रियर में, जो कि आपको हीरो माइस्ट्रो में मिलते हैं। तो राइड क्वालिटी में भी आपको इतना फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा, हालांकि मैनुवरेबिलिटी में आपको थोड़ा सा फ़र्क देखने को मिलेगा, क्योंकि ये स्कूटर ना आप इजीली कहीं से भी मोड़ सकते हैं। ट्रैफिक में फंसे हैं तो वहां पर आप कहीं से भी इसे इजीली निकाल सकते हैं। 50-60 kmph की रफ्तार पर चला रहे हैं तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, और तेज़ रफ्तार पर भी अगर आप इसे हल्का सा मोड़ने की कोशिश करते हैं तो आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा कि तेज़ मोड़ पर आप गिर जाएंगे, कॉन्फिडेंस रहेगा। लेकिन एक चीज़ और है, अगर हाँ इस स्कूटर का वज़न जो है ना वो हल्का हुआ है, तो ऐसे में अगर आप और ज़्यादा लीन होने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा डाउन हो जाए और आप वहाँ पर स्कूटर गिरा दें। खैर ऐसा मत करिएगा, इस स्कूटर में जो कंपनी ने दिया है लीन जो लाइट दी है, कॉर्नरिंग हेडलाइट जो दी है, उसके चक्कर में हो सकता है आप बार बार लाइट जलाने के चक्कर में बार बार लीन हो, तो ऐसा मत करिएगा। अगर लाइट जल रही है तो ठीक है, नहीं जल रही तो ना सही। इसके अलावा जैसे कि बताया राइड क्वालिटी, अब राइड क्वालिटी आपको ठीक वैसी ही मिलती है जैसे कि हीरो माइस्ट्रो में मिलती है। तो ऐसे में अगर आप इस स्कूटर को सिटी के अलावा अगर आप गांव देहात में ख़रीद रहे हैं, या फिर ऐसे शहर में रहते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ सड़क हो, थोड़ी पथरीली रोड्स हो, तो वहां पर आपको जो राइड क्वालिटी है, जो इसकी सीट है उसकी जो कुशनिंग है वो कंफर्टेबल है, लेकिन राइड क्वालिटी आपको स्टिफ मिलती है तो आपके हाथों में काफ़ी झटका मिलेगा, और स्कूटर अगर आप तेज़ चलाओगे तो थोड़ी वाइब्रेशन भी मिलेगी। तो ऐसे में वहाँ पर आपको इस स्कूटर को थोड़ा संभल कर चलाने की ज़रूरत पड़ेगी। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो स्कूटर से आपको पर्याप्त परफॉर्मेंस मिल जाता है, और माइलेज की अगर हम बात करते हैं तो देखो स्कूटर अभी नया नया है, तो जो रियल टाइम फ्यूल इंडिकेटर है ना उसमें हमने देखा तो 35 से 40 kmpl तक ये हमें माइलेज शो कर रहा था। हालांकि आपको 50 या इससे ऊपर माइलेज मिल जाएगा अगर आप इसे डिसेंट वे में चलाते हैं। बस यही सब था इस स्कूटर को लेकर जो कि मैंने आपको बताया है। हाँ एक चीज़ और, इस स्कूटर की ना वाकई रोड प्रेजेंस ज़बरदस्त है, कई लोग मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं कि यार ये कौन सा नया स्कूटर भारतीय बाजार में आया है। जूम की अगर हम ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर भी स्कूटर में अगर आप तेज रफ्तार पर भी ब्रेक लगाते हैं तो स्टॉपिंग पावर अच्छी मिलती है। पिलियन कंफर्ट की बात करें तो यहाँ पर भी आपको काफी बढ़िया कंफर्ट देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं नए हीरो जूम को खरीदा जाए या नहीं, तो जिस प्राइस पॉइंट में कंपनी ने इसे लॉन्च किया है उस प्राइस पॉइंट के आधार पर, यानी कि देखा जाए हीरो माइस्ट्रो के मुकाबले अभी थोड़ा सा सस्ता नज़र आ रहा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस स्कूटर की जो कीमतें हैं ना फिलहाल इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग के साथ हैं, आगे चलकर ये कीमतें बढ़ जाएंगी। अब अगर आप 110 सीसी में एक ऐसा स्कूटर देख रहे हैं जो दिखने में काफ़ी स्पोर्टी हो, प्रैक्टिकल भी हो और आपको डिसेंट परफॉर्मेंस भी दे, माइलेज भी ठीक ठाक दे, तो आप वाकई हीरो जूम को कंसिडर कर सकते हो। ओवरऑल आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, और साथ ही अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो कि हीरो जूम के फर्स्ट राइड रिव्यू को देखना चाहते हैं, क्योंकि इस स्कूटर को ना हमने ना लगातार 300-400 किलोमीटर नहीं चलाया, फर्स्ट राइड की है, लगभग 50-60 किलोमीटर ही मुश्किल से चला पाए हैं, तो उसी का ही ये प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो आपके सामने आया है।